हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग संस्कृत का वन शॉट क्लास करेंगे और ये वन शॉट क्लास का पहला क्लास है। इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और उसी समय चैप्टर वाइज हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, यानी एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसी का हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोगों का क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आप सभी बच्चे यहाँ पे जल्दी से लाइव आएंगे ताकि क्लास को शुरू किया जाए काफी अच्छी तरीके से। तो फटाफट आप लोग यहाँ पे लाइव आ जाइए, क्लास को हम क्या करते हैं बाबू यहाँ पे शुरू करते हैं। सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे और जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, पहला बंद हो गया है और हम यहाँ पे नया नंबर आपको दे रहे हैं, उसमें आप लोग क्या हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक बार नंबर हम आपको देना चाहते हैं, आप लोग क्या करिए बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हमारा नंबर है 9907557, ठीक है ना। नंबर थोड़ा सा अच्छा से नोट कर लीजिएगा, 9907557, ठीक है ना, 958, ठीक है, 958, ठीक है। ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आपको हाई लिख के मैसेज करना है। और जैसे ही आप लोग हाई लिख के मैसेज करिएगा इधर से लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। तो सभी बच्चे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये नया नंबर है, पुराना वाला ब्लॉक हो चुका है, तो इस पे आप लोग क्या हो जाइएगा, जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को यहाँ पे शुरू किया जाए काफी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं मंगलम, ठीक है ना। तो मंगलम पढ़ेंगे और मंगलम का सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, फिर पाटलिपुत्र पढ़ेंगे और पाटलिपुत्र का सब्जेक्टिव भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज दो ही चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, क्लास को शुरू करते हैं काफी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे लगाते हैं बाबू यहाँ पे पहला क्वेश्चन, पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। जो मंगलम पाठ है बाबू उसके रचनाकार कौन है, लिखने वाले कौन है। तो मंगलम पाठ को लिखने वाले कौन है बाबू, वो यहाँ पे वेद व्यास है, इन्हें आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही जाएगा। देखिए जो मंगलम पाठ है ना ये किससे लिया गया है, उपनिषद से, और उपनिषद से ही ये लिया गया है। और उपनिषद किसने लिखे हैं, वेद व्यास लिखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि जो मंगलम पाठ है वो भी किसने लिखे हैं, वेद व्यास लिखे हैं। इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। मंगलम पाठ कहां से संकलित है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो मंगलम पाठ है ये कहां से संकलित है, कहां से लिया गया है। तो आपको याद रखना है जो मंगलम पाठ है ये उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला यहां पर क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, यानी उपनिषद बाबू किसने लिखा है। तो आपको याद रखना है वेद व्यास, उपनिषद ने लिखा है वेद व्यास, ठीक है ना। अब एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, जो उपनिषद है बाबू किसने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है। और जो मंगलम पाठ है वो कहां से लिया गया है, उपनिषद से ही लिया गया है। तो मंगलम पाठ के भी लेखक कौन हुए, वेद व्यास ही हुए। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। अब आपको बताना है कि जो उपनिषद है ये किसका अंतिम भाग है। तो उपनिषद जो है बाबू आपको याद रखना है वैदिक साहित्य का ये क्या है, अंतिम भाग है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो आपको याद रखना है जो वैदिक साहित्य है उसका अंतिम भाग है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। अब ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, वो मंत्र कैसे हैं, तो आपको याद रखना है पदात्मक मंत्र हैं, ठीक है ना। कैसे मंत्र हैं, पदात्मक मंत्र हैं। यहां पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। और जब भी क्वेश्चन आएगा कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र हैं, तो जो मंगलम पाठ है उसमें पदात्मक मंत्र हैं, इसे आपको याद रखना है 100%, ठीक है ना। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र हैं, तो पदात्मक मंत्र हैं, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। जो उपनिषद है बाबू ये किसका सिद्धांत प्रकट करता है, किसका सिद्धांत देता है। तो आपको याद रखना है दर्शन शास्त्र का, ठीक है।
है ना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको यहां पे याद रखना है। उपनिषद जो है बाबू ये किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो ये दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है, ठीक है ना, मंगलम पाठ कहां से संकलित है, उपनिषद से। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, मंगलम पाठ को किसने लिखा, यही सब क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, पांच मंत्र हैं, और ये पांचों मंत्र कैसे हैं, तो पद के रूप में है, इसे आपको याद रखना है, पद के रूप में यानी पदात्मक है मंत्र, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, तो ये आत्मा के बारे में बोला जाता है कि जो सूक्ष्म आत्मा जो है एकदम छोटा से छोटा है, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणु से भी छोटा है, बारीक से भी बारीक है, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन है कि यहां पे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, तो जो आत्मा है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, आत्मा कहां निवास करती है, तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान करती है, किसे वश में नहीं किया जा सकता, तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता, इसे आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महान से भी महान कौन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, अणु से भी छोटा कौन है, महान से भी महान कौन है, तो महान से भी महान कौन है बाबू, आत्मा है, जो हमारे शरीर में आत्मा है वो महान से भी महान है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और छोटा से भी छोटा रहता है। और जंतुओं में आत्मा कहाँ रहता है, यानी जैसे हम लोग जीव जंतु हैं तो आत्मा कहाँ पे है, तो हृदय रूपी गुफा में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है किसे वश में नहीं किया जा सकता, किसे हम बाबू अपने वश में नहीं कर सकते हैं, तो जो आत्मा है इसे हम लोग कभी भी वश में नहीं कर सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, किसकी जय होती है, जय का मतलब होता है जीत, किसकी जीत होती है, यह भी क्वेश्चन आता है, तो जो सत्य है यानी जो सही है उसी का जीत होता है, और जो असत्य होता है उसकी जीत नहीं होती, उसकी विजय नहीं होती है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है किसकी विजय होती है, विजय की भी मतलब क्या होती है, जीत ही होता है, तो किसका विजय होता है या किसका जय होता है, तो आपको याद रखना है सत्य का जय होता है, ठीक है ना, या सत्य का विजय होता है, नहीं जीत होता है, लेकिन जो असत्य होता है उसका हमेशा हार होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, जो विद्वान है बाबू ये शोक रहित होकर यानी पूरा दुनिया से मोह माया त्याग करके किसको देखता है, तो आपको याद रखना है कि जो विद्वान लोग होते हैं ये परमात्मा को देखते हैं, सीवल आंसर यहां पे बिल्कुल 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, अब आपको बताना है कि जो सत्य है इससे किसका रास्ता खुलता है, किसका रास्ता प्रशस्त होता है सत्य से, तो आपको याद रखना है कि जो सत्य है इससे देवलोक का मार्ग खुलता है, देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यानी जो ये पूरा संसार है बाबू इसको कौन चलाता है, तो ये पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो ये जो पूरा संसार है ये परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है, यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो नदियां हैं ये नाम रूप छोड़कर कहां मिलती हैं, तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहां मिलती है, तो समुंदर में मिल जाती है, इसे आपको याद रखना है, यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा एकदम, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती है, देखिए यहां पे पूछा गया है किसकी विजय नहीं होती है, विजय का मतलब जीत, यानी किसकी जीत नहीं होती है, तो आपको याद रखना है कि जो असत्य है इसका कभी भी जीत नहीं होता है, जीत किसका होता है, तो सत्य का जीत होता है, यानी सत्य का विजय होता है, इसे एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि किनकी महिमा का गायन हुआ है, इस पाठ में बाबू किसकी महिमा को गाया गया है, किसकी महिमा की व्याख्या किया गया है, तो आपको याद रखना है परमात्मा, जो मंगलम पाठ है इसमें परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है, परमात्मा के महिमा का मतलब बताया गया है, परमात्मा की महिमा के बारे में बताया गया, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ईश्वर क्या है बाबू, तो जो ईश्वर है ये सत्य है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना।
तो जो ईश्वर है बाबू ये क्या है, सत्य है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सत्य यहां पे सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं, सत्य मार्ग बाबू पकड़ के विद्वान कहां जाते हैं, तो सत्य मार्ग बाबू कहां पे ले जाता है, देवलोक में ले जाता है, ठीक है ना। सत्य का रास्ता कहां पे जाता है, देवलोक में जाता है। तो आपको बताना है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहां पे जाते हैं, तो देवलोक में जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर जो होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, कौन अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है, बाबू कौन है जो अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो आपको याद रखना है नदी। जो नदी है ये नाम और रूप को छोड़कर बाबू कहां पे मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि साधक किसको पार करते हैं, यानी जो साधक व्यक्ति हैं, जो साधक पुरुष है, ये किसको पार कर जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो साधक मतलब व्यक्ति हैं, ये किसको पार कर जाते हैं, यानी किसको अपने वश में कर लेते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि साधक व्यक्ति किसको अपने वश में कर लेते हैं, तो मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं, ठीक है ना। विद्वान लोग किसे अपना किसे वश में कर लेते हैं, तो मृत्यु को वश में कर लेते हैं, या किसको पार कर जाते हैं, यानी मृत्यु को पार कर जाते हैं, जब तक चाहे जिंदा रहेंगे और जब चाहे तब अपना प्राण त्याग सकते हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसे साधक बोला जाता है, यानी विद्वान लोग जो होते हैं इनको मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि किसे मृत्यु आने की जानकारी मिल जाता है, तो जो मृत्यु को पार कर चुके हैं, ठीक है ना, उनको मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है, इसे आपको याद रखना है पहले ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सत्य धर्म के लिए किसे हटा देना चाहिए, तो सत्य धर्म प्राप्ति के लिए हमें किसे हटा देना चाहिए, तो आपको याद रखना है हिरमणे पात्र को, ठीक है ना, कि जो सोने जैसे पात्र से हमारा मुख ढका हुआ है उसको हटा देना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए, तो हिरमणे पात्र को हटा देना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का जो मुख है बाबू वो किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरमणे पात्र से, यानी सोने के पात्र से आपको याद रखना है। हिरमणेय का मतलब हीरा मत समझ लीजिएगा, हिरमणेय का मतलब यहां पे सोने का पात्र, आपको याद रखना है स्वर्ण पात्र से, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है, सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसे एकदम आपको याद रखना है। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो आपको याद रखना है कि जो सत्य का मुंह है यह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है, यानी उसको संस्कृत में हिरमणेय पात्र बोलते हैं, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, जो नदियां है बाबू वो क्या छोड़ती है और फिर समुद्र में मिलती है, तो जो नदियां हैं ये अपना नाम को भी छोड़ देती हैं और रूप को भी छोड़ देती है, उसके बाद समुद्र में मिलती है, इसे आपको याद रखना है। यानी नाम और रूप, तो केवल इसमें नाम दिया है तो केवल हम लोग क्या करेंगे, इसमें नाम पे ही टिक करेंगे, ठीक है ना। अगर रूप दिया रहता तो हम यहां पर रूप पे भी टिक करते, ठीक है, नाम दिया है केवल हम लोग नाम पे टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है या परमाणुओं के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आपको याद रखना है कि जो आत्मा है ये परमाणुओं मतलब सॉरी मानवों के हृदय प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में या जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि नदियां कहाँ जाकर मिलती है, जो नदी है बाबू ये कहाँ पे जाके मिलती है, तो नदी हमेशा कहाँ पे जाके मिलती है, समुद्र में जाके मिलती है, इसे आपको याद रखना है। तो नदियां कहां पे जाके मिलती हैं, तो समुद्र में मिलती है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका मुंह सोने के पात्र से बंद है या ढका हुआ है, किसका मुंह है जो सोने के पात्र से बंद है या किसका मुंह है जो सोने के पात्र से ढका हुआ है, तो आपको याद रखना है सत्य का, जो सत्य का मुंह है यह हिरमणे या पात्र से यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। तो सत्य का जो मुंह है यह हिरमणे या पात्र
पात्र से यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है। जिस प्रकार नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिलती हैं, तो विद्वान कहां पे जाके मिलते हैं? तो जो विद्वान है बाबू वो जाके परमात्मा में मिल जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। जो विद्वान होते हैं ये कहां पे जाके मिलते हैं? तो विद्वान लोग जाके परमात्मा में मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को चुनते हैं या किस लोग को अपनाते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो ऋषि लोग हैं ये देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को चुनते हैं? तो आपको याद रखना है ये सत्य मार्ग को चुनते हैं, क्योंकि देवलोक जो है बाबू वो सत्य का खजाना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि सत्य का खजाना क्या है, तो सत्य का खजाना कौन है? देवलोक है, इसे आपको याद रखना है। तो ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को चुनते हैं? तो आपको याद रखना है सत्य मार्ग को चुनते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत को प्रकट किया गया है? ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उपनिषद के अंतिम भाग में किसको दिखाया गया है? तो आपको याद रखना है दर्शन शास्त्र को। ठीक है ना, उपनिषद के अंतिम भाग में किसकी चर्चा है? तो आपको याद रखना है दर्शन शास्त्र की चर्चा है, इसे एकदम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? आदित्य का दूसरा नाम, तो आदित्य का बाबू दूसरा नाम क्या है? तो सूर्य है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। आदित्य का दूसरा नाम क्या है? तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अणु से भी छोटा कौन है? अब यहां पे आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया, ये पूछा गया कि अणु से भी छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा कौन है बाबू? तो जो हमारा आत्मा है ये अणु से भी छोटा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, छोटा से भी छोटा है, इसे एकदम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो जो देवलोक का मार्ग है बाबू किससे प्राप्त होगा? तो आपको याद रखना है सत्य से। सत्य से हमें देवलोक का मार्ग प्राप्त होगा, इसे आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे बाबू मेरा क्वेश्चन है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं, यानी मृत्यु को अपने वश में कौन कर लेते हैं, जब तक चाहे वो जिंदा रहेंगे और जब तक चाहे जब चाहे वो अपना प्राण त्याग सकते हैं। तो मृत्यु को वो अपने वश में कौन करता है? तो आपको याद रखना है विद्वान लोग या जिसे हम लोग साधक लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो विद्वान लोग या साधक लोग जो होते हैं मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना, अगर ये भी क्वेश्चन आएगा कि मृत्यु आने की जानकारी किसे पहले ही हो जाती है, तो मृत्यु आने की जानकारी किसे पहले हो जाता है? तो साधक यानी जो विद्वान होते हैं इनको पहले ही मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो बाबू कितने उपनिषद है? तो उपनिषद 108 है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल सही जाएगा, एक एक क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट है। उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद 108 है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सत्य का खजाना कहां पे है बाबू? सत्य का खजाना कहां पे है? तो आपको याद रखना है देवलोक में। कहां पे है बाबू? देवलोक जो है बाबू ये सत्य का खजाना है। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है कि सत्य का खजाना कहां पे है? तो देवलोक में है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो सत्य का खजाना कहां पे? देवलोक में है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो सत्य धर्म प्राप्ति के लिए हमें हिरमणे या पात्र को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो जो हिरमणे या पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है उसे हटा देना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि परमात्मा कहां पे रहते हैं? तो परमात्मा बाबू कहां रहते हैं? तो जो परमात्मा है ये सर्वत्र रहते हैं। सर्वत्र का मतलब सभी जगह, इसे आपको याद रखना है। तो परमात्मा कहां पे रहते हैं? सर्वत्र रहते हैं, सभी जगहों पे रहते हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो जो वेद होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसे आपको याद रखना है। तो ऋग मतलब, और इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो जो वेद होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं, इसे एकदम
नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि वो कौन सा पुरुष है जिसको मृत्यु आने की जानकारी पहले ही हो जाती है, तो आपको याद रखना है साधक यानी विद्वान। तो दोनों ऑप्शन में से देख लेना है कौन दिया है, तो यहां पर साधक दिया है, तो हम लोग यहां पर साधक को टिक करेंगे। साधक यानी विद्वान लोग जो होते हैं इनको पहले से ही मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, इसे एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, यानी जो सत्य का मुंह है बाबू किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि अड़ो अड़ियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो अड़ो अड़ियान महतो महियान बाबू कहां से लिया गया, तो ये आपको याद रखना है कठोपनिषद से लिया गया है, बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि यहां पे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है, तो सत्यमेव जयते बाबू कहां से लिया गया है, तो जो सत्यमेव जयते है ये आपको याद रखना है कि ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसे एकदम आपको याद रखना है। तो ये पहला चैप्टर का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बाबू यहां पे ये खत्म होता है। और पहला में से आपका कितना सही हुआ जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। पहला में से बाबू आपका कितना सही हुआ, सभी बच्चे आप लोग जल्दी से यहां पे कमेंट करके बता देंगे। चालीस पैंतीस अड़तीस सर हम कैसे जुड़े, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है ना शुरू में, उसी पे आप लोग फोन थी करके व्हाट्सएप कॉल मतलब व्हाट्सएप पे हाई लिख के जुड़ जाइएगा, ठीक है। दूसरा नंबर अभी याद नहीं है इसलिए नहीं दिए, नहीं तो आधा बच्चे को बोलते दूसरा नंबर पे जुड़िए, ठीक है। चलिए ये पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बाबू दूसरा चैप्टर पे, ठीक है। दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव एक ही साथ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ये है पाटलिपुत्र, ठीक है। तो पाटलिपुत्र हम लोग बाबू यहाँ पे पढ़ते हैं पाटलिपुत्र, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव एक बार में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, सब्जेक्टिव इसके बाद पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बाबू हमारा है पाटलिपुत्र, ठीक है, और इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, बहुत इजी होता है ये चैप्टर, ठीक है। तो पटना कहाँ बसा हुआ है आपको बताना है, तो जो पटना है बाबू पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पटना जाइएगा तो एगो ब्रिज पड़ता है, ठीक है ना, गांधी सेतु पुल, और वो किस नदी पर बना हुआ है, गंगा नदी पर, यानी जो पटना है बाबू ये गंगा नदी पर बसा हुआ है, इसे एकदम आपको याद रखना है। पटना नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे आपको पटना नदी बोल रहे हैं, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो पटना कहां बसा हुआ है पहले ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो पटना है बाबू आपको याद रखना है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, पटना किस राज्य की राजधानी है, यानी जो पटना है वो किस राज्य की बाबू राजधानी है, तो आपको याद रखना है कि जो पटना है ये बिहार राज्य की राजधानी है, ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आएगा पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर है, पुष्पपुर है, इसे आपको याद रखना है, कोई भी एको देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो चलिए जल्दी से बताइए कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पहले बाबू क्या था, पाटलिपुत्र था, और अब भी मतलब कुछ सालों से क्या हुआ, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, पाटलिपुत्र से पटना बना दिया गया है, इसे आपको याद रखना है। तो पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है, और पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे कि पटना का पुराना नाम क्या है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो पटना है इसका पुराना नाम कौन कौन सा है, तो पटना का पुराना नाम बाबू पुष्पपुर भी है, पाटलिपुत्र भी है, कुसुमपुर भी है, इसे आपको याद रखना है, ये सभी क्या है बाबू पटना का पुराना नाम है। यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा, पटना का पुराना नाम क्या है, पुष्पपुर भी है, पाटलिपुत्र भी है, कुसुमपुर भी है, यानी इनमें से सभी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर आप लोग करेंगे कि जो पटना का इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है, सभी बच्चे
जल्दी से आप लोग यहां पे क्वेश्चन बताएंगे कि पटना का पुराना नाम, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष, सही है। 2000 पे टिक मत लगाइएगा बाबू, क्वेश्चन बैंक में उस दिन गलती दिया था, क्वेश्चन बैंक में गलती उस दिन दे दिया था, ठीक है ना। जिस दिन हम क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे थे ना, उसमें 2000 दिया था, तो हम बोले थे 2000 याद रखो। ठीक है, तो ये आपको आंसर ये वाला याद रखना है, ठीक है, 2500 वर्ष, ठीक है, ये वाला आप लोग याद रखिएगा। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है, ये वाला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में बाबू क्या प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र का मतलब क्या? पटना। पटना में बाबू क्या प्रसिद्ध है? तो पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। गोलघर के बारे में पता है ना, कब बना था? 1786 में बना था, ठीक है। किस लिए बना था? तो अनाज रखने के लिए बना था, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। तो गंगा नदी के ऊपर बाबू कौन सा सेतु यानी कौन सा पुल बना हुआ है? तो गंगा नदी के ऊपर आपको याद रखना है महात्मा गांधी सेतु बना है, इसे आपको याद रखना है, जो एशिया का सबसे लंबा सेतु। अगर क्वेश्चन आएगा कि एशिया का सबसे लंबा सेतु कौन सा है, तो महात्मा गांधी सेतु है, इसे आपको याद रखना है। और जो महात्मा गांधी सेतु है ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे वही क्वेश्चन आ गया, एशिया का सबसे बड़ा पुल, यहां पे पुल किस नदी पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है गंगा नदी पर है, ठीक है ना। और उसका नाम क्या है? तो महात्मा गांधी सेतु है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पटना के किस दिशा में बाबू गंगा बहती है, तो आपको याद रखना है पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, यानी महात्मा बुद्ध के समय पाटलिपुत्र जो था बाबू उसका नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र जो था बाबू इसका नाम पाटलीग्राम था, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। पाटलीग्राम था, इसे एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि पटना में बहुत बार कौन आए थे बाबू, पटना में बहुत बार कौन आए थे? तो आपको याद रखना है आपको भगवान बुद्ध आए थे, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया यानी पटने में ही आसपास बोध गया, मतलब बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है ना, यानी यहीं पे इनका क्या हुआ था बाबू? तो इनका हुआ था मतलब पटना में, मतलब इनका क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि पटना में बहुत बार कौन आए थे, तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा? किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा? लेकिन इसे हमेशा युद्ध पानी और आग से इसका भय सदा बना रहेगा, ऐसे बोले थे। तो ये किस कौन बोले थे? तो आपको याद रखना है भगवान बुद्ध बोले थे कि पटना एक दिन क्या बनेगा? महानगर बनेगा। किसने बोला था? तो भगवान बुद्ध बोले थे। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो सिखों के बाबू पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे, इन्हें आपको याद रखना है, जो सिख धर्म का स्थापना किए थे। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और सिखों के 10वें यानी अंतिमवें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। और इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो पटना में हुआ था, इसे एकदम आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? पूछ लिया ना बाबू, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है या सिख संप्रदाय के अंतिमवें गुरु कौन है? जो 10वां गुरु थे ना, वही लास्ट थे, उनके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। तो सिख धर्म का बाबू अंतिमवें गुरु यानी लास्ट वाले गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। कौन थे बाबू? तो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्हें आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल
बिल्कुल एकदम 100% राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो बिहार के पटना में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, जिसे पटना साहिब बोला जाता है इसे आपको याद रखना है। क्या बोला जाता है? पटना साहिब। इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन मिलता है। अब आपको बताना है किस पुस्तक में पटना का, ठीक है ना, यानी पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना वर्णन मिलता है, ठीक है ना, पुराना नाम का वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखद दत्त ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, तो विशाखद दत्त ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आता है कि किस साहित्य ग्रंथ से पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का पता चलता है, तो आपको याद रखना है मुद्रा राक्षस, ठीक है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की बाबू पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है। इन्हें आपको याद रखना है, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यह भी क्वेश्चन आता है कि सरस्वती के वंशज कहां पे रहते हैं, तो सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग कहां पे रहते हैं, तो यह भी पाटलिपुत्र में रहते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, महावीर मंदिर कहां स्थित है। तो बाबू महावीर मंदिर कहां पर है, तो पटना में आज भी महावीर मंदिर है, यानी हनुमान जी का मंदिर है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है, कैमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो कैमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो आपको याद रखना है शरद ऋतु में मनाया जाता था, ठीक है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो कैमोदी महोत्सव है यह शरद ऋतु में मनाया जाता था, एकदम आपको यह याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कैमोदी महोत्सव किस शासन काल में मनाया जाता था। जो कैमोदी महोत्सव था यह शरद ऋतु में यानी ठंडी में मनाया जाता था, और यह कब किसके शासन काल में बाबू यह शुरू हुआ मनाना, तो आपको याद रखना है कि जो कैमोदी महोत्सव है यह गुप्त वंश के शासन काल में शुरू हुआ। इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम राइट होगा, और इसे एकदम आपको 100% याद रखना है कि जो कैमोदी महोत्सव है यह किस शासन ने शुरू किया, किस शासक के राजाओं ने शुरू किया, तो आपको याद रखना है गुप्त वंश के जो था, यानी गुप्त वंश के जो शासक थे उसने शुरू किए। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि कैमोदी महोत्सव कहां मनाया जाता था। ये भी क्वेश्चन आता है कि कैमोदी महोत्सव कहां मनाते थे, तो पाटलिपुत्र में मनाते थे। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि कैमोदी महोत्सव कहां मनाते थे, तो पाटलिपुत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता था। कैमोदी महोत्सव बाबू कब मनाया जाता था, किस अवसर पर दिखाई देता था, तो आपको याद रखना है दुर्गा पूजा पर यह दिखाई पड़ता था। इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। कैमोदी महोत्सव कब दिखाई देता था, तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे यह दिखाई पड़ता था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है। सरस्वती का कुलगृह का मतलब क्या, यानी पढ़े लिखे लोग कहां पे जाते हैं, ठीक है ना, पहले थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है, यानी सरस्वती का बाबू कहाँ, मतलब कहने का मतलब क्या है कि सरस्वती जी कहाँ की रहने वाली थी, एकदम पढ़े लिखे कहाँ के लोग हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन ये आएगा कि सरस्वती का कुलगिरी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है, यानी पाटलिपुत्र पढ़े लिखे लोग हैं। या क्वेश्चन आएगा कि सरस्वती के वंशज कहाँ पे रहते हैं, यानी विद्वान लोग पढ़े लिखे लोग कहाँ पे रहते हैं, तो ये भी पाटलिपुत्र में ही रहते हैं। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यूनान का राजदूत कौन था बाबू, मेगास्थनीस था। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। और जो मेगास्थनीस था बाबू, ये किसके समय में आया था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये पटना आया था। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीस किसके समय में पटना आया, ये भी क्वेश्चन। तो मेगास्थनीस था बाबू, ये यूनान का राजदूत था, और ये किसके शासन काल में पटना आया था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये पटना आया था। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है। तो पाटलिपुत्र वैभवम, नाम से ही पता चल रहा है कि पाटलिपुत्र यानी पटना का, इसमें वैभव का वर्णन किया गया है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र का इसमें वर्णन किया गया है। बी वाला
आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, राजशेखर की रचना किसने किया, राजशेखर बाबू किसने, इसमें से राजशेखर ने क्या लिखा है तो आपको याद रखना है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा बाबू किसने लिखा है, राजशेखर ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। और कुट्टी नीतम किसने लिखा है तो दामोदर गुप्त ने कुट्टी नीतम लिखा है। और आपको याद रखना है मुद्रा राक्षस किसने लिखा है तो विशाखा दत्त ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो पटना शब्द है बाबू ये किससे बना, तो पटना शब्द बाबू किससे बना था तो आपको याद रखना है ये पतन से बना था। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा, जो पटना शब्द है ये पतन से बना था, इसे आपको याद रखना है, बी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरंदर का पर्याय कौन है बाबू, पुरंदर किन्हें कहा जाता है, तो जो भगवान इंद्र हैं इन्हें पुरंदर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। भगवान इंद्र को पुरंदर बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पुरंदर का पर्याय कौन है, तो पुरंदर के पर्याय कौन है तो इंद्र भगवान है, इन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है, नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, यानी जो पटना नगर था उसके नगर के समीप में नगर के आसपास किसका ज्यादा उत्पादन होता था, तो आपको याद रखना है फूलों का, सबसे ज्यादा बाबू फूल का उत्पादन होता था, इसीलिए पटना का नाम एक बार पुष्पपुर भी था, यानी पुष्प का मतलब होता है फूल, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। तो फूल किसका मतलब था बाबू, नाम पुष्पपुर, इसीलिए कि पटना में बहुत इधर बहुत ज्यादा फूल होता था, इसलिए पटना का नाम क्या पड़ गया, पुष्पपुर भी पड़ गया था, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था तो फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर देखिए कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र अधिक समृद्धि हुई, तो किसके शासनकाल में जो पाटलिपुत्र है बाबू इसका अधिक समृद्धि हुआ, तो आपको याद रखना है अशोक के काल में इसका अधिक समृद्धि हुआ, बहुत दूर दूर तक फैला, इसे आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन रहेगा कि किसके शासनकाल में रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रक्षा व्यवस्था ये क्या था बाबू, उत्कृष्ट था। लेकिन क्वेश्चन आएगा किसके शासनकाल में अधिक समृद्धि हुआ, तो अशोक के शासनकाल में अधिक समृद्धि हुआ, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कुट्टी नीतम काव्य के कवि कौन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि कुट्टी नीतम किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है दामोदर गुप्त ने, ठीक है ना, तो दामोदर गुप्त ने कुट्टी नीतम लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है, बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस बाबू किसने लिखा है, तो विशाखा दत्त ने लिखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है, इसे एकदम को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, चंद्रगुप्त ने किस वंश का स्थापना किए थे, तो चंद्रगुप्त ने आपको याद रखना है तो ये मौर्य वंश की स्थापना किए थे, इसे आपको याद रखना है, ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। चंद्रगुप्त तो बच्चा समझता है ना कि गुप्त वंश का, ठीक है ना, तो इसमें गुप्त नहीं दिया है लेकिन परीक्षा में गुप्त दे देगा, ठीक है ना, तो जो गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य, इनका पूरा नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, तो ये मौर्य वंश की स्थापना किए थे, ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस काल में पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम था, ठीक है ना, किस काल में आपको बताना है, किस काल में पटना का नाम बाबू पाटलिग्राम था, किसके काल में पटना का नाम बाबू पाटलिग्राम हुआ करता था, तो आपको याद रखना है बुद्ध काल में, बुद्ध के काल में बाबू पटना को क्या बोला जाता था, पाटलिग्राम बोला जाता था, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गोलघर कहां अवस्थित है बाबू, गोलघर कहां पे है, तो गोलघर अपना पटना में है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला आंसर यहां पर बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, किस काल में पटना का प्रसिद्ध नाम प्रसिद्ध हुआ, किस काल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी पाटलिपुत्र का नाम हटाकर पटना बाबू कब किया गया, कब प्रसिद्ध हो गया, तो आपको याद रखना है ये हुआ था मध्यकाल में, ठीक है ना, मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ गया, पटना पड़ गया, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला यहां पर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है बाबू, पाटलिपुत्र यानी पटना में किस
महापुरुष का जन्म हुआ है? तो आपको याद रखना है जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म कहां पे हुआ है बाबू? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र में हुआ है, यानी पटना में हुआ है, इसे एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग बाबू कौन सिखाते थे? पतंजलि सिखाते थे, इसे आपको याद रखना है। तो योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि है, इन्हें आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, ये सब आपको याद रखना आता है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? शरद काल का मतलब क्या हुआ बाबू? जो शरद ऋतु है बाबू, उसमें कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो आपको याद रखना है कैमूदी महोत्सव। कैमूदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में मनाया जाता था, इसे एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, अगला क्वेश्चन है कैमूदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? यानी जो कैमूदी महोत्सव था बाबू, किस वंश ने शुरू किया और किस वंश में कैमूदी महोत्सव मनाया जाता था? तो आपको याद रखना है गुप्त वंश। गुप्त वंश में क्या मनाया जाता था बाबू? कैमूदी महोत्सव मनाया जाता था, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि व्याकरण के रचनाकार कौन है, बोर्ड एग्जाम में आता है, एकदम आपको याद रखना है। तो व्याकरण का रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है पारिणी। पारिणी बाबू कौन थे? तो ये व्याकरण का ये रचना किए थे, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो जब मुगल आए, मुगल शासक आए, तो किसका उद्धार किए, किसका विकास किए? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र का उद्धार किए, पाटलिपुत्र का विकास किए, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा मुगल काल में किसका उद्धार हुआ, तो पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो विद्वान जो लोग हैं बाबू, ये पृथ्वी का तिलक किसे बोलते हैं? तो पाटलिपुत्र को बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो स्वर्ग से भी बाबू सुंदर कौन है? तो जो अपना पटना है, यानी जो पाटलिपुत्र है, ये स्वर्ग से भी सुंदर है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो बाबू जब भी शहर का नाम बोलेगा ना, एक एक को नाम आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र, ठीक है। सबका आंसर पाटलिपुत्र, पृथ्वी का तिलक पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को कहा गया है, ठीक है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही जाएगा, खत्म हो गया। चलिए तो इतना था बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए काफी अच्छी तरीके से। तो चैप्टर वन चैप्टर दो, आज दो ही चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब दो चैप्टर का हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। सब्जेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है, इसीलिए आप लोग ध्यान से बाबू पढ़िएगा, ठीक है। भागने का कोशिश मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मंगलम का सब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जो मंगलम चैप्टर है इसका यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आप लोग यहाँ पे देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है बाबू, आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि बाबू जो आत्मा है ये क्या है, कैसी है, आपको बताना है आत्मा के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबू वही लिखा गया, आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर बताएं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए एकदम आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको क्या करना है, क्वालिटी बढ़ा लेना, अब इसको तो हम जूम भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ध्यान नहीं दिए, नहीं तो इसको छोटा करके बड़ा कर देते थे। चलिए जितना पे है अब आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू। आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, एकदम बिल्कुल आप लोग एक बार समझ लीजिए। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होता है, ठीक है ना। यह अणु से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है, इसका रहस्य समझने वाले सत्य को अपनाता है और वह शोक रहित होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। अब देखिए जो आत्मा है बाबू, आत्मा जो है हमारे
कहां पे रहता है? हृदय रूपी गुफा में रहता है। अगर आत्मा हमारे शरीर से निकल जाए तो जो हमारा ये हट्टा कट्टा शरीर है अब भी गिर जाएगा, ठीक है ना। आत्मा बहुत एकदम छोटा होता है, और वही छोटा आत्मा अगर हमारे शरीर से बाहर निकल जाए तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? अब भी जमीन पे गिर जाएगा, मृत हो जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आत्मा बहुत ही बड़ा है प्राणियों के शरीर के लिए, ठीक है ना। तो वही यहां पर लिखा के पूछ रहा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर बताए। तो जो यहां पर देखिए कठोपनिषद में आत्मा का जो रूप है बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो आत्मा है ये मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहती है, और ये क्या है बाबू, अणु से भी सूक्ष्म है, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। और इसका रहस्य समझने वाला, यानी आत्मा को अगर कोई भी बढ़िया तरीके से समझेगा कि आत्मा क्या है, आत्मा को किसने बनाया, ठीक है ना, तो हमेशा क्या करेगा बाबू, इसका रहस्य समझने वाला हमेशा सत्य को अपनाएगा। सत्य का मतलब परमात्मा को अपनाएगा। सत्य किसे बोला गया? परमात्मा को, ठीक है ना। तो इसका रहस्य जानने वाले सत्य को अपनाते हैं और शोक रहित होकर मतलब पूरा इस दुनिया से बाबू मोह माया त्याग कर, ठीक है ना, कि ना मेरा कोई भाई है ना मेरा कोई परिवार, एकदम सीधे एकदम आपको परमात्मा के प्राप्त करने के उनमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एकदम आप लोग लगे हुए एकदम लीन है, ठीक है। तो वही आपको याद रखना है, यहां पर लिखा गया कि इसका रहस्य समझने वाला व्यक्ति हमेशा सत्य को अपनाता है और वो शोक रहित होकर मतलब इस दुनिया का पूरा क्या करके मोह माया को त्याग कर भगवान की प्राप्ति की चाह रखता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना परमात्मा को प्राप्त करता है, ठीक है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप बहुत ही अपूर्व विश्लेषण किया गया, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है कि जो आत्मा है यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित होती है और ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है, और आत्मा का रहस्य समझने वाला व्यक्ति हमेशा सत्य को अपनाता है और वह शोक रहित होकर परमात्मा को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसे आपको याद रखना है, इतना अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपको पूरा नंबर यहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे, अगला यहाँ पे बाबू क्वेश्चन है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। बोर्ड एग्जाम में आता है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो देख लीजिए मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप त्याग कर, यानी नाम रूप छोड़कर समुन्द्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपना नाम रूप तथा अहम त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जो बाबू नदी है, नदी बाबू छोटी है समुन्द्र के आगे तो छोटी है, फिर क्या करती है नदी जो होती है बाबू, समुन्द्र में जाके क्या करती है, अपना नाम रूप छोड़कर कि मैं इतनी लंबी नदी हूं, इतनी चौड़ी नदी हूं, ये मेरा नाम है, ये सब नाम हम छोड़ के समुंदर में जब जाके मिलती है तो समुंदर का पानी और नदी का पानी एक दूसरे में ऐसे घुल जाता है जिससे फिर पता नहीं चल पाता है कि कौन नदी का पानी है और कौन समुंदर का पानी है। इसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं बाबू, ये क्या करते हैं, इतना तपस्या कर लेते हैं, इतना मतलब योग कर लेते हैं, इतना तपस्या कर लेते हैं कि सीधे जाके वो कहां पे मिल जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं, और परमात्मा में ऐसे घुल मिल जाते हैं फिर परमात्मा से वो कोई भी उनसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे याद रखना है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं ये अहम यानी नाम रूप छोड़कर, घमंड को छोड़कर, संसारिक मोह माया को त्याग कर किस में जाके मिलते हैं, तो ये भी परमात्मा में जाके मिलते हैं। दोनों क्या हो रहा है, नदी भी जाके समुद्र में मिल रही है और जो पुरुष हैं वो किस में जाके मिल रहे हैं, परमात्मा में जाके मिल रहे हैं। तो दोनों में यही समानता है, दोनों जाके किसी ना किसी में मिल रहे हैं, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। तो क्वेश्चन यही है, इसे आपको याद रखना है। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप छोड़कर यानी नाम रूप त्याग कर समुन्द्र में जाके मिलती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपना नाम रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मा में मिल जाते हैं, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बाबू कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले, यानी मंगलम पाठ के आधार पे सत्य की महिमा आपको बताना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास का कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, यानी हमेशा बाबू सत्य ही जीतता है, ठीक है ना। मिथ्या कदापि नहीं जीतता है, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, झूठ जो है बाबू कदापि यानी कभी भी नहीं जीतता है, इसे आपको याद रखना है। सत्य
सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है, सत्य से ही बाबू देवलोक में आप लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग भी सत्य की प्राप्ति के लिए देवलोक जाते हैं, और जो ऋषि लोग भी होते हैं सत्य की प्राप्ति के लिए कहां पे जाते हैं, देवलोक जाते हैं, क्योंकि जो देवलोक है बाबू वो सत्य का खजाना है, ठीक है, क्योंकि जो देवलोक है वो सत्य का खजाना है। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा पर प्रकाश डाले। तो यहां पर देखिए सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या यानी जो झूठ है वो कदापि नहीं जीतता है, ठीक है ना, और सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है, और मोक्ष प्राप्त करने वाले जो ऋषि मुनि होते हैं वो सत्य की प्राप्ति के लिए कहां पे जाते हैं, देवलोक के लिए, देवलोक जाते हैं, क्योंकि जो देवलोक है वो सत्य का खजाना है। इसे एकदम आपको याद रखना है 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिएगा, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो सत्य का मुंह है ये किस पात्र से ढका हुआ है, तो जो सत्य का मुंह है ये स्वर्णमय पात्र से यानी हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। दोनों में से किसी से भी आप लोग बता सकते हैं कि जो सत्य का मुंह है ये किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरमणेय पात्र से यानी स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, यानी जो महान लोग हैं वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो उत्तर देख लीजिए, श्वेता श्वेतोपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में बहुत ही अंतर स्पष्ट हुआ है, ठीक है ना। अंतर स्पष्ट करते हुए यहां पे महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी अंधकार स्वरूप और ज्ञानी जो होते हैं वो प्रकाश स्वरूप होते हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर लेते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करना, संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बड़ा अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर लेते हैं, तो श्वेता श्वेतोपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग है यानी जो अनपढ़ लोग है यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, वो उसका जो जीवन है अंधकार स्वरूप है, यानी मतलब क्या है, उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन जो ज्ञानी है बाबू, जो पढ़े लिखे हैं, इसका जो जीवन है बाबू ये प्रकाश स्वरूप है, और महान लोग इसे समझ जाते हैं, महान लोग जो होते हैं इसे समझ जाते हैं, ठीक है, और महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर लेते हैं, और क्योंकि इस संसार रूपी सागर को प्राप्त करने के लिए सत्य ही बाबू क्या है, एक रास्ता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं, तो जो नदियां होती हैं बाबू क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं, तो नदियां नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिलती हैं। बस एक लाइन का आंसर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो जो नदियां होती है ये नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे कि उपनिषद का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, जो उपनिषद का स्वरूप है ये क्या है, पाठ के आधार पर आपको मतलब बताना है, स्पष्ट करना है। तो उपनिषद वैदिक वडम्य का अभिन्न अंग है, इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, सर्वत्र पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है, परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है, सत्य को अपनाने वाले ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया उपनिषद का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, तो जो उपनिषद है बाबू वैदिक, यहाँ पे वैदिक वडगम्य का अभिन्न अंग है, ठीक है ना, और इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रतिपादन किया गया है, ठीक है ना, और यहाँ पे सर्वत्र पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया, इसमें परमात्मा के गुणगान किए गए, और परमात्मा के द्वारा ही यह संसार अनुशासित है, ठीक है, व्याप्त और अनुशासित है, सत्य को अपनाने वाले, यहां पर देखिए सत्य को अपना के ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, जो व्यक्ति सत्य को अपनाएगा वही परमात्मा को क्या कर सकता है बाबू, प्राप्त कर सकता है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करता है, जो विद्वान पुरुष है वो ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करता है, तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपना नाम रूप छोड़कर अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम
और रूप को रूप तथा यहां पर देखिए नाम रूप तथा अहम को त्याग करके ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पे बाबू क्वेश्चन क्या है कि विद्वान पुरुष जो होते हैं ये ब्रह्मा को कैसे प्राप्त कर लेते हैं, तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अर्थात नदियां जो है बाबू नाम रूप छोड़कर यानी व्यक्तित्व को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो साधक पुरुष होते हैं जो महान पुरुष होते हैं वो अपना नाम रूप छोड़कर किस में जाके मिल जाते हैं, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर का 8 सब्जेक्टिव है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, जितना जल्दी याद कर लीजिएगा इसी में से क्वेश्चन आएगा और आपको यहाँ पे पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सभी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे हम लोग पाटलिपुत्र का यहाँ पे सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसे भी आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें, तो अब आपको बताना है कि जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें पटना के क्या क्या नाम है उसका आपको नाम लिखना है। ठीक है ना, तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम निम्नलिखित है। पहला नाम मिलता है हमें पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि। ठीक है ना, तो ये क्या है बाबू पटना का पुराना नाम है, ये आपको याद होना चाहिए। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें, तो पहला यहाँ पे क्या है बाबू यहाँ पे सॉरी देखिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का नाम निम्नलिखित है। पहला यहाँ पे है पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, ये क्या है बाबू पटना का नाम है, इसे एकदम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें, यानी पटना में कौन बाबू दर्शनीय स्थल है, कौन देखने योग्य है उसका नाम लिखना है। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम निम्नलिखित है, जैसे गोलघर है, गोलघर भी पटना में है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है जो संजय गांधी जैविक उद्यान है, ठीक है ना, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है क्योंकि यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु का जन्म हुआ था, आदि पटना के मुख्य दर्शन स्थल है, देखने योग्य स्थल है। तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन आएगा कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें, तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम निम्नलिखित है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, ठीक है ना, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गुरुद्वारा है, ये पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जो राजशेखर है वो पटना के संबंध में क्या लिखे, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि राजशेखर ने पटना के किस रूप में स्मरण किया है, यानी किस रूप में याद किया है। तो देखिए यहां पे राजशेखर ने राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में लिखते हैं, राजशेखर का अपना पुस्तक है काव्य मीमांसा, ठीक है ना, काव्य मीमांसा किसने लिखा, राजशेखर ने। तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था, यहां अनेक संस्कृत के विद्वान हुए, यहां पारिणी, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी, ठीक है ना, ये इसी रूप में याद करते हैं पाटलिपुत्र को। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन है राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा, या राजशेखर पटना को किस रूप में स्मरण करते हैं। तो राजशेखर अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है, और ये सही भी बात है, पाटलिपुत्र था बाबू जब यहां अपने देश के तो बच्चे पढ़ते थे, विदेश के लोग भी उस समय आते थे पढ़ने के लिए। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए, यहाँ पारिणी, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। बच्चे बोलते हैं सर सब्जेक्टिव पढ़ाइए, और जैसे ही सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है इतना जोर से भागते हैं, समझ में नहीं आता है। हिंदी का 2N का PDF ठीक है आज दे देंगे, PDF मिलेगा, PDF मिलेगा। मतलब इसीलिए तो तैयारी नहीं ना हो पाता है, पढ़ाने जब पढ़ाइएगा तो आप लोग पढ़िएगा नहीं, ठीक है, और जब नहीं पढ़ाइए तो सर ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये नहीं है, बच्चा इलाज तक बोलते रहेगा, जब पढ़ाई होगा तो पढ़ेगा नहीं बच्चा। ऑब्जेक्टिव पढ़ने में मजा आता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ो पढ़ो पढ़ के ऑब्जेक्टिव भाग जाओ, ऑब्जेक्टिव से खाली थोड़ी काम थोड़ी चलेगा, सब्जेक्टिव भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी तुलसी पूजा, सभी बच्चों को हैप्पी क्रिसमस।
सर इसका पीडीएफ दे दीजिएगा, ठीक है हम भेज रहे हैं बना के, बनाने में आधा घंटा लगेगा, क्लास खत्म होगा उसका आधा घंटा बाद हम भेज देंगे, हिंदी का भी दे देंगे, हिंदी का नहीं दिए थे दे देंगे, ठीक है। हैप्पी क्रिसमस भाई, चला जाए जिंगल वेल से मिलने, सेंटा क्लोज। चलिए तो पढ़िए बाबू, सब्जेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा है, अथवा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो भगवान बुद्ध है वो पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहे हैं, या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान बुद्ध पटना के संबंध में क्या कहे हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए यहां पर कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे, ठीक है ना, यहां आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था, और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव कालांतर में यानी आने वाले दिनों में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को हमेशा आग पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। ये बोलते हैं भगवान बुद्ध, क्या बोलते हैं बाबू कि ये जो गांव है यानी जो उस समय पाटलिपुत्र क्या था, गांव के रूप में था, ये जो गांव है ये आने वाले समय में यानी ये गांव है जो कालांतर में यानी आने वाले समय में एक दिन महानगर होगा, परंतु इसे हमेशा आग पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे, ठीक है ना, जो भगवान बुद्ध थे अनेक बार यानी बहुत बार पाटलिग्राम में आए थे, ठीक है ना, और आकर क्योंकि वो भगवान थे तो आकर इस गांव के महत्व को भी बढ़ाया था, ठीक है ना। उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग पानी और युद्ध का जो भय है वो सदा बना रहेगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि पटना में कैमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो पटना में बाबू कैमोदी महोत्सव था ये कब मनाया जाता था, तो पटना में शरद ऋतु में कैमोदी महोत्सव मनाया जाता था। पटना में बाबू कब कैमोदी महोत्सव मनाया जाता था, शरद ऋतु में कैमोदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव पाटलिपुत्र में बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी, यानी जो ये कैमोदी महोत्सव ये पाटलिपुत्र में बहुत ही एकदम धूमधाम से मनाई जाती थी। इस समारोह का विशेष रूप से प्रचलन गुप्त काल के शासन काल में हुआ है, गुप्त काल के शासन, गुप्त वंश के शासन काल में हुआ है। जो पाटलिपुत्र था सॉरी जो यहाँ पे कैमोदी महोत्सव था इसको बहुत ही धूमधाम से शरद ऋतु में मनाया जाता था, ठीक है ना। और जो कैमोदी महोत्सव इसका प्रचलन किस शासन वंश में हुआ था, तो आपको याद रखना है गुप्त वंश के शासन काल में हुआ था। यह दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था, जो कैमोदी महोत्सव था ये दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था। जब भी क्वेश्चन आएगा पटना में कैमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में कैमोदी महोत्सव, पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कैमोदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव पाटलिपुत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में होता है, क्योंकि कैमोदी महोत्सव इन्हीं लोगों ने शुरू किया था, ठीक है ना। और यह महोत्सव दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ती थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा। अब आपको बताना है कि जो दामोदर गुप्त है वो पटना के संबंध में क्या लिखे थे। तो कभी दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में श्रेष्ठ है, यानी जो कवि दामोदर गुप्त हैं वो बोलते हैं कि जो पाटलिपुत्र यानी जो पटना है इस पृथ्वी पे जितना भी शहर बसा हुआ है उसमें सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, एक नंबर पे, ठीक है ना। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी ज्ञानी लोग यानी विद्वान लोग बसते हैं, यानी जो पाटलिपुत्र नगर है बाबू यहाँ पे सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बाबू यहाँ पे रहते हैं, बसते हैं, ठीक है ना। कवि इस नगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है, और जो कवि हैं दामोदर गुप्त वो क्या करते हैं, जो इंद्र की पूरी नगरी है उससे क्या करते हैं, पटना का तुलना करते हैं कि एकदम बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा।
तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में श्रेष्ठ है, सभी नगरों में महान है, ठीक है ना। यहां सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग रहते हैं पाटलिपुत्र में, ठीक है। कवि इस नगर की जो तुलना है, इस महानगर की तुलना है, उसका तुलना किससे किए हैं, तो इंद्र की पूरी नगरी से किए हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बाबू हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे, ये भी नाम पूछता है, आपको याद रखना है कि कौन कौन से विदेशी लोग थे जो पाटलिपुत्र में आए थे, ठीक है ना। तो मेगास्थनीज आए थे, फहियान आया था, वेंगसांग आया था, इत्सिंग आया था, ये विदेशी यात्री पटना आए थे। तो ये चारों नाम आप लोग याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में आता है लिखने के लिए कि कौन कौन से विदेशी यात्री जो थे बाबू पटना आए थे। तो मेगास्थनीज आए थे, फहियान आए थे, वेंगसांग आए थे, इत्सिंग आया था, ये सभी विदेशी यात्री पटना आए थे, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इसे एकदम आपको याद रखना है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, यानी जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए बाबू पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि सिखों के जो दसवें और अंतिम गुरु हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के पटना में, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है, यहाँ के उनके दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, देश विदेश के सिख संप्रदाय के लोग यहां दर्शन करने के लिए पटना आते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, तो सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर पूजनीय स्थल है, ठीक है ना। पूजनीय क्या है, स्थल है, इसे आपको याद रखना है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर बाबू जो है वो पूजनीय स्थल है, ठीक है, और यहां उनके दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी है, और यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, यानी जो पाटलिपुत्र है बाबू वो गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और देश विदेश के जितने सिख है वो पटना आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया देश विदेश के सिख संप्रदाय के लोग दर्शन के लिए यहाँ पे पटना आते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, और ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो चंद्रगुप्त और अशोक के समय बाबू जो पटना था ये कैसा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी, ठीक है ना। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे बाबू उनके समय में जो पाटलिपुत्र था इसका जो रक्षा व्यवस्था था काफी मजबूत था, ठीक है ना, और यह सुंदर नगर था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और अशोक के समय में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्धि हुआ, और अशोक के समय में इसका वैभव बढ़ा और ये बहुत दूर तक फैला, क्योंकि जो अशोक थे वो महान राजा थे और बहुत सारे राज्यों को जीतकर पाटलिपुत्र में मिलाए थे, बहुत बड़ा पाटलिपुत्र को बनाए थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त तथा अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा नगर था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो काफी मजबूत थी, और यहाँ यह एक सुंदर नगर भी था, सुंदर दिखाई दे रहा था। और अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव का अधिक समृद्धि हुआ, अशोक के समय में ये जो पाटलिपुत्र है बहुत दूर तक फैला, इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या है बाबू हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यहां पे हो चुका है दो दो चैप्टर का, ठीक है। हैप्पी क्रिसमस सर जी, हैप्पी क्रिसमस। चलिए सर संस्कृत सब्जेक्टिव का क्लास करे भाई, ती का है संस्कृत सब्जेक्टिव है तो है, चैप्टर वाइज ही पढ़ लीजिए बाबू, चैप्टर वाइज बाबू पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें तो सभी पढ़ना है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव थोड़ी आता है। जी बिल्कुल रोहित भाई, बहुत बढ़िया। चलिए क्रिकेट में नए नियम, बाबू अभी पढ़ाई करो, बाद में क्रिकेट देखना खेलना, अभी दसवां पढ़ लो, ठीक है। तो इसका हम पीडीएफ हम आपको भेजते हैं, आधा एक घंटा में इसका हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, काफी अच्छी तरीके से याद कर लो बाबू, अब टाइम कितना है, गिन के 10 दिन है परीक्षा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लो, इसे काफी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इसे काफी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपको तो पढ़ा दिया गया है।
तो इसीलिए बाबू हिंदी संस्कृत हम आपको सुबह सुबह पढ़ा रहे ताकि इसको कंप्लीट किया जाए बहुत जल्दी, और इसका पीडीएफ भी इसीलिए दे रहे ताकि आप लोग पढ़ लीजिए। हिंदी का नहीं दिए थे, दूसरा का दे देंगे, और ये पहला इसका पढ़ाए हैं तो पहला का भी ये दोनों हम आपको क्या करेंगे दे देते हैं, ठीक है। तो जाते हैं इसका पीडीएफ बनाते, बनाने में आधा एक घंटा लगेगा। तुलसी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू जी। चलिए अभी थोड़ा समझाते हैं, इसका पीडीएफ बनाते हैं और उसके बाद हम आपको देते हैं, ठीक है। सर जी हम नहीं जुड़ पाए, बहुत दुख हुआ। ग्रुप में आप लोग जुड़ जाओ, नया नंबर में ग्रुप में जुड़ जाओ। ठीक है बाबू, हम हिंदी है ना, हम कर देते हैं। टेस्ट वेस्ट का मतलब वहां पे टेस्ट तो लग रहा है ना बाबू, वेबसाइट पे आप लोग जाके टेस्ट भी लगाओ, हिंदी का अपडेट कर दिया गया है। और ये सब पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए पीडीएफ वीडीएफ दे रहे, चैप्टर वाइज पीडीएफ तो इसीलिए दे रहे ना। आज दो चैप्टर का दे देंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, कल फिर हिंदी का क्लास होगा, फिर परसों संस्कृत का क्लास होगा, ऐसे ही कर करके क्लास कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ज्यादा नहीं 10 दिन का खेल है दोनों, हिंदी संस्कृत, उसके बाद तो ये खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसमें कहाँ ज्यादा है, 10 दिन का काम है पढ़ना, उसके बाद खेला खत्म इसका। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कर लीजिए। टेक केयर एंड बाय।